वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस किस प्रकार से वेरी करता है, वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू स्कोर किस प्रकार से जनता के बीच में वेरी करता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। आपने क्या सीखा अभी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी से, आपने ये सीखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि दोज पर्संस जिनकी आईक्यू 70 से कम होती है वो हम लोग उनको बोलते हैं दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो या फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है उनको। तो ऑन द वन हैंड आर दोज पर्संस हु आर गिफ्टेड और क्रिएटिव पर्संस, एक हाथ पर वो पर्संस होते हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं और गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, दूसरे हाथ पर वो लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, हु फेस इनॉर्मस डिफिकल्टी इन लर्निंग इवन वेरी सिंपल स्किल्स लाइक वॉशरूम, कपड़े चेंज करना, ब्रश करना, पानी पीना, ऐसी छोटी छोटी सिंपल स्किल्स में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। जो लोग इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी शो करते हैं, डेफिशिएंसी का मतलब आप समझ रहे हो, डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, इसका मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस भी जितनी होनी चाहिए ना आपके अंदर टॉयलेटिंग नीड्स के लिए, कपड़े बदलने से रिलेटेड आप नहा लो, खुद अपनी देख रेख कर लो, ट्यूबलाइट जला लो, आराम से कहीं चले जाओ, अकेले दुकान से सामान लेकर आ जाओ, इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो है नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है कि नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है कि नहीं है, ये तो हमारे घर में कोई काम वाली हो वो भी कर लेगी ये वाला काम, तो चाहे वो स्कूल ना गई हो, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो भी कर लेगा। लेकिन जो इस प्रकार का नॉर्मल अपनी लाइफ में इस प्रकार की फंक्शनिंग भी शो नहीं कर पाते हैं, दोज हु आर इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट, इनको हम लोग बोलते हैं सच कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन्स, समझ गए। और ये चीज़ आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती है जब वो पर्सन अपने चाइल्ड ईयर्स में होता है, जब वो बच्चा होता है तभी शो होना लग, तभी दिखने लग जाता है कि हाँ ये इसको जीवन चलाने में दिक्कत हो रही है। बताओ मुझे ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए ना। आगे तो एज अ ग्रुप देयर इज अ वाइड वेरिएशन अमंग द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड मतलब वो ये आपसे कह रहा है कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एक पूरी कैटेगरी होती है, पूरा ग्रुप होता है, इसके अंदर बहुत तगड़ी तरीके से वेरिएशन देखने को मिलती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, चार कैटेगरीज की, ठीक है। अब जो AAMD है यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी जो है, ये एक बॉडी है जिसके बारे में आप 4th chapter के अंदर पढ़ोगे, ये एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, दो इनके मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, समक्ष कशिश, दो इनके मैनुअल्स होते हैं, एक होता है ICD-10, एक होता है DSM-4 और DSM-5 आ गया अब तो, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और दूसरा होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। यहाँ पर डिसऑर्डर्स क्लासिफाई होते हैं, ये एक संस्था के अंतर्गत होते हैं जिसका नाम होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। ये एक बहुत बड़ी बॉडी है वर्ल्ड की जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को क्लासिफाई करने का काम करती है, ठीक है, समझ गए। ये किस प्रकार से डिफाइन करेगा, ये बॉडी कैसे डिफाइन करेगी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को, उसे सीखो। हाउ AAMD अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी व्यूज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन करा जा सकता है, समझो ध्यान से, ठीक है। सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब वो कह रहा है काफ़ी गंभीर तरीके से जब कोई इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अपनी एवरेज नहीं सब एवरेज लेवल पे शो करे, सब एवरेज समझ रहे हो ना कशिश, एवरेज से भी कम, ठीक है। और ये जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है पर्सन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही है किसके साथ, कंकरेंटली विद डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब उस वो पर्सन के बिहेवियर के अंदर डेफिसिट यानी कि कमी दिख रही है उसके एडेप्टिव बिहेवियर में। एडेप्टिव बिहेवियर मतलब आसपास से अडेप्ट नहीं हो पाता, लाइट चली जाए तो एकदम से बौखला जाता है, कमरे का तापमान अगर एकदम से AC में ठंडा हो जाए तो एकदम से मतलब हलचल मच जाती है, वो एक तरीके से इतना एडजस्टेबल पर्सन नहीं होता, उसको ब्रश करने के लिए, टॉयलेटिंग की नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है वो इंसान, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, फिर भी उसको कॉन्टीन्यूसली केयर चाहिए पड़ती है। अडेप्टिव बिहेवियर उसका काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर डेफिसिट शो होते हैं, कमियाँ शो होती है। और ये कब मैनिफेस्ट होने लग जाता है पर्सन के अंदर, इट इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, मतलब जब वो पर्सन
प्यूबर्टी से एडोलेसेंट में ग्रो हो रहा होता है, उसी वक्त ये चीज़ें शो होने लग जाती है उसके अंदर कि जैसे इसकी एज के नॉर्मल बच्चे जितने मैच्योर हो गए हैं, ये उतना मैच्योर नहीं है। बात समझ में आई? थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है ये, अंग्रेजी इसकी थोड़ी सी टाइट है, लेकिन एक एक शब्द को हमने तोड़ के समझा तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को सबसे बेस्ट डिफाइन कर रखा है एक सबसे बड़ी दुनिया की संस्था ने, जिसका नाम है AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। इसके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? जब आपकी जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि जर्नल तरीके से जैसे आपका माइंड वर्क करता है, पानी पीना, टॉयलेट जाना, नहाना, बाजार से कोई ब्रेड दूध वगैरह लेकर आना, किसी से जर्नल बात करना, अपना नाम बताना, जब इतना भी पर्सन ना कर सके और सिग्निफिकेंट तरीके से ये जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर अपना सब एवरेज लेवल शो करे, मतलब एवरेज तरीके से वो बात भी नहीं कर सकता, वो बाजार से कोई सामान भी नहीं ला सकता, खुद वो पर्सन नहा भी नहीं सकता, वॉशरूम तक नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है? तो जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है उस पर्सन की सब एवरेज लेवल पे हो और वो एग्जिस्ट करे कंकरेंटली विद डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर। मतलब ये जो सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है पर्सन की, वो किसके साथ एग्जिस्ट कर रही है? ये तो है ही, मतलब पर्सन अपनी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर सब एवरेज लेवल पर है, लेकिन डैट इज एग्जिस्टिंग कंकरेंटली। कंकरेंटली मतलब एक चीज़ और है उस पर्सन के अंदर, कमी है किस चीज़ की? उसके अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर कमी है। कहने का मतलब है दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं साइमल्टेनियसली, समझने की कोशिश करो। एक है अडेप्टिव बिहेवियर, इसके साथ है सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये शो कब हो रहा है मुझे, कब दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को चला नहीं पाएगा जिंदगी भर, इसको किसी के सहारे की जरूरत है? दिस इज मैनिफेस्टेड, दिस इज शोन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। ये हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ एक डेफिनेशन है, डू नॉट वरी के भाई ये तो बहुत टिपिकल डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन देखने को मिलेंगे आपको, डू नॉट वरी। अभी इससे एक सिंपल डेफिनेशन भी दिखा दूंगा, लेकिन समझाना मेरा काम है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब इस डेफिनेशन के तीन फीचर्स हैं, अब जो आप अगर नीचे वाले तीन फीचर्स लिखाओ ना तब भी आपका काम चल जाएगा। ये डेफिनेशन के तीन बेसिक फीचर्स हैं। नंबर वन, फर्स्ट, अगर हमें किसी को बोलना है या जज करना है, इन ऑर्डर टू बी जज एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, एक पर्सन सबसे पहले तो ये प्रूव करे कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है डैट इज सिग्निफिकेंटली ऑफ सब एवरेज लेवल। समझ रहे हो कोशिश? वो एवरेज लेवल की नहीं है, सब एवरेज लेवल की है। तो ऐसा किस में होता है, ये सब एवरेज लेवल किस में देखने को मिलता है? ऐसे लोग, ऐसे बंदे बंदियां जिनकी IQ 70 से कम होती है, उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उनकी इंटेलिजेंस सब एवरेज लेवल की होती है। सेकंड एस्पेक्ट है इस डेफिनेशन का, ये देखो सेकंड, यहाँ पर हमें पर्सन के अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर कमियाँ देखने को मिलती हैं। इतनी आसानी से वो अपने वातावरण के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता, नॉर्मल तरीके से अपने आप को कैरी नहीं कर सकता। अडेप्ट करने का मतलब ये भी है कि यार एटलीस्ट कोई अच्छा लगता है क्या कशिश? 17-18 साल 25 साल का हो गया और अभी भी वो ये बोले मम्मी मुझे नहला दो, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरी हेल्प करो, नहीं ना? यहाँ पर पर्सन इतना भी कर सकता। अब अडेप्टिव बिहेवियर की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, जिससे 1 मार्कर या 2 मार्कर का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफाइन अडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर के अंदर नहीं है, 4th चैप्टर के अंदर भी है, 5th चैप्टर के अंदर भी है, और लास्ट चैप्टर के अंदर भी है। अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? अडेप्टिव बिहेवियर एक पर्सन की कैपेसिटी को बोला जाता है कि वो पर्सन कितना इंडिपेंडेंट है और अपने एनवायरमेंट के साथ कितनी इफेक्टिव तरीके से डील कर सकता है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि एटलीस्ट यार आप अपना दूध चाय ब्रेड का इंतज़ाम, या फिर एटलीस्ट फ्रिज से पानी निकाल कर तो पी सकते हो ना, वॉशरूम तो जा ही सकते हो ना, कपड़े तो अपने चेंज कर ही सकते हो ना, कोई घर से बाहर गया है तो कुंडी तो मार ही सकते हो ना। ये होता है अडेप्टिव बिहेवियर कि आप नॉर्मल अपने एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से अडेप्ट करते हो। तीसरा फीचर इसका, इस डेफिनेशन का ये था, द थर्ड फीचर इज दैट ये जो डेफिसिट्स हैं ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, जब पर्सन 0 से 18 साल का, 0 हमें नहीं लिखना चाहिए वैसे, 1 बोलना चाहिए, 1 से 18 साल तक की एज का जब पर्सन होता है तो हमें पता लग जाता है वो पर्सन अब मैच्योर है, ये एक्टिविटीज़ कैरी कर सकता है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो ये चीज़ नहीं कर पाते, जिनकी IQ सिग्निफिकेंटली लो होती है। बताओ मुझे ज़रा कोई दिक्कत आई?
तीन फीचर्स हैं, समझ गए ना इसका मतलब? उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो सब एवरेज लेवल की, एवरेज की, एवरेज क्या होता है, एवरेज इन द सेंस के मतलब मान लो कशिश वो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाले काम जो मैंने बोले, वॉशरूम, टॉयलेटिंग नीड्स, कपड़े चेंज करना, है ना, ये सब तो हर कोई कर सकता है। इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत है क्या बताओ? कभी आप कोई स्कूल भी ना गया हो कोई मतलब वो पर्सन, इसके लिए ये होता है कि नहीं भाई, अगर किसी पर्सन को बाजार से दूध लाना है वो 6th क्लास पास आउट होना चाहिए, अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना है वो 11th क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है क्या लाइफ में बताओ? नहीं ना। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही, उसका दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो इतना बेसिक तरीके से ये सब चीज़ों को कर सके, ठीक है। फिर वो पर्सन कमी दिखाता है अपने अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर, ठीक है, अडेप्ट नहीं कर पाता इतनी आसानी से। और अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना, कि आप हर प्रकार की मतलब नॉर्मल जो आपकी लाइफ चलती है, जो डेली लाइफ की जिंदगी होती है, उसमें जो सारे लोग काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो कर ही लो, ठीक है। और ये चीज़ें शो कब होती है हमें, जब पर्सन 0 to 18 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जिनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, वो अपनी एबिलिटीज़ के अंदर सिग्निफिकेंट तरीके से वेरिएशन शो करते हैं। कहने का मतलब है वो हमारे जैसे इंटेलिजेंस में नॉर्मल तरीके से फंक्शनिंग करना ये सब नहीं कर पाते, मतलब जिसके बारे में हमने ये तीन फीचर्स बार बार पढ़ ही लिए, ठीक है। और ऐसे पर्सन्स रेंज करते हैं कि अपने वर्क को मतलब नॉर्मल तरीके से कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से अपने आप को फंक्शन नहीं कर सकते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ये सब मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें लिखी हुई, ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, ठीक है। और इनको आप ना कभी कभार जिनकी IQ बहुत ही कम होती है, जैसे 70 से नीचे वाले तो सभी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की कैटेगरी में है समक्ष कशिश, है ना, लेकिन उसमें से भी मैंने चार कैटेगरी आपको पढ़ाई ना, ये जैसे आपको दिख रही है अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये देखो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। इनको आप ट्रेन नहीं कर सकते कभी कभार, और इनको लगातार इंस्टीट्यूशनल केयर चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में। इंस्टीट्यूशनल केयर मतलब यार इनकी कल को ना शादी नहीं हो सकती, ये बहुत बड़े भी हो जाए ना तो इनको एक लाइफ टाइम एक मम्मी पापा जैसा सपोर्टिंग केयर, एक नर्स या फिर मिडवाइफ की ज़रूरत पड़ सकती है, आया वगैरह की, है ना, कि बड़े तक इनको समझ में नहीं आता कि जैसे एक हमें जब हम बड़े होते हैं हमें एक हिंट मिल जाती है ना कशिश समक्ष कि हमें कब वॉशरूम जाना है, कब उसकी वो नीड है। छोटे से छोटा बच्चा भी जब बड़े होने लग जाता है 2-2.5 साल तक तो मैक्सिमम वो बोल देता है ना कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, है ना, लेकिन ये पर्सन नहीं बोल पाते, इनको हिंट ही नहीं मिलती क्योंकि दिमाग उस कैपेसिटी के साथ एवरेज तरीके से फंक्शन ही नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो। तो ये बड़े तक मतलब एक तरीके से ना घर वालों को इनकी वजह से एक तरीके से शर्म आती है काफ़ी टाइम तक, ठीक है, और लाइफ टाइम इनको केयर चाहिए पड़ती है। हम देखेंगे वैसे चारों की कैटेगरी, क्या सबको चाहिए पड़ती है या फिर माइल्ड को चाहिए पड़ती है, सीवियर को चाहिए पड़ती है, प्रोफाउंड को या मॉडरेट वाले को, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले कि मीन IQ स्कोर पॉपुलेशन का होता है 100। देखो बार बार ये बातें रिपीट करा जा रहा है, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर कौन कौन से होते हैं, एक होता है माइल्ड की कैटेगरी, जो IQ 55 से 70 तक के बीच में जिसकी होती है वो होता है माइल्ड। ये हैं सारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, याद रखना, ये देख रहे हो कैटेगरी, ये देखो ब्लू से मार्क करता हूँ, ये है सारे के सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कैटेगरी के, वही है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये चारों, ये देखो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये चार है ना, ये है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना, ये देखो अगर मैं इसको मिटाऊं, यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो इधर से लेकर इधर तक, प्रोफाउंड से लेकर माइल्ड तक, ठीक है। तो 0 से 70 वाले जो IQ वाले होते हैं वो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले ही लोग हैं, लेकिन उसमें भी चार क्लासिफिकेशन होती है। जिनकी IQ 55 to 70 होती है वो होते हैं माइल्ड, 35 से 40 से लेकर 50 to 55 तक, यानी कि 35 से लेकर 55 तक होते हैं मॉडरेट, 20 से लेकर 40 तक होते हैं सीवियर, और बिलो 20 to 25 अगर इससे कम है तो है प्रोफाइल, ठीक है। अब जिनकी माइल्ड डिसेबिलिटी होती है, मतलब ये वाला जो सबसे पहली कैटेगरी होती है, और अब एक एक की बात करेगा, एक 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 अलग अलग लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऑल दो जो डेवलपमेंट होती है लोगों की विद माइल्ड डिसेबिलिटी इज टिपिकली स्लोअर देन डेट ऑफ देयर पीयर्स, मतलब अपने दोस्तों से मतलब उतना ज़्यादा फास्ट फंक्शन नहीं कर पाते हैं, दे आर अ काइंड ऑफ, इनके माइंड को ना मतलब दे आर काइंड ऑफ पीपल कि जिनको थोड़ा सा सोचने में समझने में किसी भी हिंट को ग्रेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे हम नॉर्मली नहीं बोलते थे कैसे किसी को ट्यूबलाइट है क्या तेरे को कोई बात ही समझ में नहीं आती, इनको सच में समझ में नहीं आती है, माइंड इतनी जल्दी ग्रेस नहीं कर पाता। अगर आप इनकी तरफ बॉल फेंकोगे ना
क्विकली कैच नहीं कर सकते, रिफ्लेक्स एक्शन इतना फास्ट नहीं होता इनका। लेकिन हम पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ऑल्दो जो डेवलपमेंट होती है लोगों की विद माइल्ड डिसेबिलिटी वो टिपिकली थोड़ी सी स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, लेकिन फिर भी माइल्ड वाले जो लोग होते हैं ना, माइल्ड मतलब जिनकी आई क्यू माइल्ड होती है 55 से 70 वाले, वो इंडिपेंडेंटली जिंदगी जी सकते हैं, अपनी जॉब वगैरह भी कर सकते हैं और फैमिली वगैरह भी लीड कर सकते हैं, मतलब शादी वगैरह करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, चला सकते हैं अपनी घर परिवार, ठीक है। जैसे जैसे डिसेबिलिटी का लेवल इंक्रीज होता है, डिसेबिलिटी का लेवल इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पर्सन माइल्ड से अप शिफ्ट हो रहा है मॉडरेट की तरफ, मॉडरेट से सीवियर की तरफ, सीवियर से प्रोफाउंड की तरफ, तो ये गंभीर सिचुएशन बनती नहीं जा रही वैसे, बताओ गंभीर सिचुएशन बन रही है ना, माइल्ड वाला ज़्यादा ठीक है, प्रोफाउंड वाला ज़्यादा ठीक है लाइफ में, माइल्ड वाला है ना, वेरी सुपीरियर वाला ज़्यादा ठीक है, एवरेज वाला ठीक है, वेरी सुपीरियर, आई क्यू जितनी ज़्यादा उतना बेटर, उतना बेटर ऑब्वियसली बात है, जितनी कम आई क्यू उतना पर्सन को। तो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीजेस, डिफिकल्टीज जो होती हैं और ज़्यादा पर्सन को आने लग जाती है। जैसे माइल्ड वाले तो जॉब कर सकते थे, इंडिपेंडेंटली रह सकते थे अपना अकेला वगैरह, और फैमिली वगैरह भी लीड कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत बस इनके एक्शन स्लो होते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी खासी बिता सकते हैं, ठीक है। पीपल विद मॉडरेट डिसेबिलिटी, सेकेंड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, पीपल विद मॉडरेट डिसेबिलिटी दे लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, मतलब अच्छे से ये ना खेलना वगैरह, भागना कूदना, या फिर एकदम से फ्लो फ्लो में बोलने जल्दी जल्दी, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे जैसे इस प्रकार की जो बातें हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, जैसे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, ऐसी चीज़ों को पकड़ने में जब आप ही एकदम से आपको भी दिक्कत आई होगी तो इनको तो काफ़ी ज़्यादा आती है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरीके से ये नहीं बोल सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़िंदगी भर नहीं समझ सकते, माइंड यू मॉडरेट डिसेबिलिटी वालों को, जो कि हमारी सेकंड कैटेगरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को ट्रेन करा जा सकता है इन सेल्फ केयर स्किल्स, ठीक है, और सिखाया जा सकता है कि बेसिक मिनिमम अपनी ज़िंदगी में सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स के काम कैसे कर लेना, बेसिक बेसिक चीज़ें जान जाओ। मतलब हम जैसे इतनी सारी चीज़ें बोल जाते हैं, हमारा जबान इतनी चलती है, दिमाग इतना चलता है, उतना चलो मान लो नहीं चलता, लेकिन ये सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में कि मिनिमम कैसी लैंग्वेज यूज़ करना है, जैसे ये ऐसे लोग होते हैं कि जैसे 35-40 साल तक के भी हो गए हैं जैसे मतलब वो करके, लेकिन घर पे कोई आया तो उनको बोला जाता है, थोड़ा बच्चों वाला चाइल्डिश बिहेवियर रहता है ना, नमस्ते करो उनको, प्रणाम करो, तो ये सिखाया जा सकता है इनको, ठीक है। लेकिन फिर भी दे नीड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन देयर एवरीडे टास्क, बहुत ज़्यादा नहीं देखना पड़ता, मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन, मतलब थोड़ा थोड़ा देखकर समझा दो तो मान जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफाउंड और सीवियर वाली की, ये एक ही, ये मतलब प्रोफाउंड और सीवियर को पता है एक साथ राइटर ने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की ज़िंदगी एक जैसी चलती है, प्रोफाउंड और सीवियर वालों की, समझ लो कशिश, माइल्ड वाले की ज़िंदगी ठीक चलती है, मॉडरेट वाले की थोड़ी सी अलग चलती है, लेकिन प्रोफाउंड और सीवियर वाले की बिल्कुल एक ही कैटेगरी के, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है प्रोफाउंड लेवल की या सीवियर लेवल की, दोनों सेम लेवल की ज़िंदगी लीड करेंगे। कैसी ज़िंदगी लीड करते हैं ये लोग, दुखद वर्ष अगर हम बोलें, वेरी अनफॉर्चुनेटली, अब ऐसे लोग वैसे तो ज़्यादा भी नहीं होते हैं, 2.2% होते हैं पॉपुलेशन का, बट हमने अभी पढ़ा ना जैसे सुपीरियर बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसे ये भी नहीं होते बहुत ज़्यादा, लेकिन दे आर इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर लाइफ, ये जिंदगी नहीं चला पाते, और दे नीड कॉन्स्टेंट केयर फॉर देयर एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी इन बेचारों की ना शादी हो पाती है, ना ये बहुत क्लियरली बोल पाते हैं, ना ये खेल पाते हैं, ना इनकी मोटर स्किल्स रिफ्लेक्स स्किल्स इतनी फास्ट होती है, जिंदगी भर मतलब एक प्रकार से, मुझे मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब माँ बाप को जिंदगी भर इनका ख्याल रखना पड़ता है,